नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशि टेक्नोलॉजी में। इसके पहले हमारे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था आउटलुक 2010 में जो पासवर्ड प्रॉम्प्ट का एरर आता उसका सॉल्यूशन। देन उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया था 2013 का। अब हम एक और बना रहे हैं 2016 के यूजर्स के लिए। प्रोसेस सबका सेम है, इसमें भी हमको अकाउंट को ऐड करना है। इसमें भी हम मैन्युअली ही ऐड करेंगे। मैन्युअली में हम वापस से पॉप या आईमैप पे जाएंगे। जो भी आपके अकाउंट्स का नाम है वो आपको डालना है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको आईमैप की सेटिंग्स बताई थी, लेकिन हम आपको इसमें बताएंगे कि आईमैप की सेटिंग्स कहाँ से इनेबल करनी है। इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर का जो डिटेल्स होता है वो कहाँ से लाना है। वैसे तो हमने इसको सेव कर रखी है, लेकिन ये चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हम इसको आपको बताएंगे कि जीमेल में ये कहाँ होती है। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट नहीं करना है, मोर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको आउटगोइंग सर्वर में माय आउटगोइंग सर्वर को इनेबल करना है। देन एडवांस में जाना है। यहाँ पे हमारी दो सेटिंग्स होती है, इनकमिंग और आउटगोइंग का एक नंबर्स होता है, वो हमें डालना है 993। यहाँ से हमें SSL सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 465 देन SSL देन ओके देन नेक्स्ट। जैसा कि हमने दो वीडियोस में पहले भी देखा था कि हमें वापस से पासवर्ड का प्रॉम्प्ट का ये एरर देगा, तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करना होती है हमारे जीमेल में। हम चलते हैं उधर। ओवरऑल टोटल तीन सेटिंग्स आपको देखनी है जीमेल के अंदर। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में फॉरवर्डिंग एंड पॉप आईमैप आना है। इसमें आपको देखना है इनेबल आईमैप है कि नहीं। यदि नहीं है तो आपको इनेबल करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इनेबल करा हुआ है तो आप भी इनेबल कर दीजिएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट सेटिंग। सेकेंड सेटिंग आपकी होती है सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑन या ऑफ। ये देखिए, मुझे वापस से पासवर्ड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ गया है। मुझे इसका एक फोटो लेना था यूजर्स को दिखाने के लिए, तो मैं एक फोटो ले लेता हूँ। सेकंड मुझे करना है सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन। जीमेल में होता है, आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर लें। यदि ये आपका ऑन है तो इसको आपको ऑफ करना है। ऑफ इसलिए करना है क्योंकि जब हम जीमेल में पासवर्ड डालते हैं, आउटलुक में पासवर्ड डालते हैं, तो हमसे इनेबल का पूछता है। हम मोबाइल पर जाके प्रॉम्प्ट कर देते हैं, लेकिन इतना हमको ध्यान नहीं रहता। ये देखिए मेरा ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। पहली सेटिंग हमारी आईमैप की थी, दूसरी सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, तीसरी हमें करना है लेस सिक्योर ऐप। लेस सिक्योर ऐप मेरा ऑफ है, लेस सिक्योर ऐप मुझे ऑन करना है। ऑन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो अदर कुछ एप्लीकेशंस होती है जीमेल के अलावा वो लो सिक्योर होती है, तो उन पर पासवर्ड बार बार पूछता है।
अभी हमारी दोनों सेटिंग्स हो गई है। अब हम देखते हैं हमें वापस से कोई एरर दे रहा है क्या। ये देखिए हमारा इनकमिंग पे राइट आ गया है, सेंड टेस्ट ईमेल मैसेज इस पे भी हमारा राइट आ गया है। तो ओवरऑल आपको छोटी छोटी सी तीन सेटिंग्स है, आईमैप इनेबल करना है फर्स्ट थिंग, सेकंड आपको सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ करना है, थर्ड लो सिक्योर ऐप ऑफ होता है उसको आपको ऑन करना है। यह हमारा इनकमिंग आउटगोइंग मेल चालू हो गया है। इसके बाद हम वापस से वन मोर टाइम एक और वीडियो बना रहे हैं।